भाई सीन कुछ ऐसा है, हर जगह है पुलिस। और अब भाई साहब ये निकाल दो दम्मो अपनी कहीं से। तो फिर एक सीन हो गया, ये आगे से लग गई हल्की सी धम से आवाज आई। अब देखते हैं कुछ टूटर तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अभी आ रहा हूँ फजर की नमाज अदा करके, और मुझे हल्का हल्का सा फीवर है, इसी वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाया सहरी के टाइम। तो अभी टाइमिंग हो रहा है 11:30 और मुझे हल्का हल्का सा फीवर आ रहा है, तो इसी वजह से मैं कहीं बाहर जा नहीं पाया आज, और अभी भी मैं घर पे ही हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे। तो गाइस अभी टाइमिंग हो रहा है 8:10 और मैं आज शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो कुछ भी शूट नहीं हुआ आज। बस सुबह सुबह जो शूट हुआ वही हुआ, वैसे यही हूँ, कुछ भी शूट नहीं कर पाया। बस नमाज से आया फिर सो गया। तो मैं ट्राई करूँगा कि ये ब्लॉग कुछ ज़्यादा शॉर्ट ना रहे, 1 मिनट से ज़्यादा ही रहे। वैसे तो मैक्सिमम 8 मिनट रहता है ब्लॉग, मिनिमम 2 मिनट, और ये लग रहा है मुझे 1 मिनट का भी नहीं होगा। तो मैं देखूँगा क्या करना है मुझे। तो गाइस फाइनली मेरा फीवर हल्का सा सही हो गया, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं बाहर जाऊँ कुछ दिखाऊँ आपको। तो कुछ मिनट की वीडियो हो जाएगी, 2-3 मिनट की, वैसे मुश्किल है, लेकिन मैं जाके ट्राई करूँगा बाहर कि हो जाए। तो मिलते हैं फिर बाहर। तो गाइस हम फाइनली अभी जा रहे हैं अपने दातागंज के बस स्टैंड की तरफ। तो गाइस सीन कुछ ऐसा, हर जगह है पुलिस। अब भाई साहब ये निकाल दो दम्मो अपनी कहीं से तो बच जाएं, वरना तो भाई गए हैं, कोई चांस नहीं है आज। देखते हैं भाई कैसे निकलना है। तो भाई मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, क्योंकि यहाँ से मेरी गली है घर के तरफ, वहीं है भाई CO SHO सब है। मैंने पूछा भाई कहाँ है, बोलो है कहाँ, बोले कि जा रहे हैं। पहले बोला कि है, बोले आमद, तो मैंने बोले कि जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा जा रहे हैं, तो मैंने कहा चल आ रहा हूँ। अब मैं उसे फ़ोन करूँगा भाई आगे जाके कि भाई चले गए, बोल रहा है जिप्सी रह गई है। अरे भाई मैंने कह रही है तुम तो कटवा दो पूरा, और भाई ऐसी की तैसी हो जाएगी, तो इस पर कुछ नहीं है भाई। सब कुछ क्लियर हो गया, अभी अभी यहाँ से आई है यहाँ से, और सब कुछ क्लियर हो गया। दोस्त ने बता दिया कि चले गई सब। अब ऐसा ना हो भाई वो उसने चले गई और हो तो भाई सीन हो जाएगा अगर निकली फिर। और हम ट्राई करते हैं भाई कि नहीं हो, और ये यहाँ पे जाम लगा हुआ, मैं ट्रक की तरफ रोक लिए और हम निकल जाएंगे। वैसे हम आए थे कोई काम से, लेकिन काम भी नहीं हुआ, शॉप बंद थी और फंस गए फालतू का। अब यहाँ पे लगाया जाम, देखते हैं कि निकलेंगे या नहीं। और मैं रुका हूँ, मैंने कहा पहले पूरा जाम निकल जाए फिर हम निकलेंगे। और ये भाई ट्रक भी हमारे आगे। तो भाई कुछ आज का दिन ही ख़राब है यार, मैं क्या बताऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और बस, ट्रक है सॉरी, और ये ट्रक आगे जा रहा है, लगता है रोड क्लियर है और हम इसके पीछे लगा देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है ये हल्के हल्के जा रहा है, तो है शायद कुछ। रोड हो गया क्लियर, आप देख सकते हैं सामने कोई नहीं है, और अपना काम भी हो गया। अब मुझे लेना है इस मेडिकल से कुछ चीज़, तो पहले मैं अपनी कार को इधर लगाता हूँ। और यहाँ पे ये लोग, इन्होंने हमारी हेल्प की है, और हमें आपको लेते हुए जो हमें सामान लेना था। यहाँ पे थी भाई इस जगह पे, और मैं यहाँ से निकला था। तो गाइस हमको लेना था ये फीवर चेक वाला, और अब हम घर के तरफ जाते हुए। और ये भाई डॉग हट गया तो बहुत है, वैसे हट गया। और भाई हम आगे से जा नहीं सकते, तो ये रोड रहा। अब हमको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से इसको काटना होगा यार, और टफ है यार यहाँ पे, ऐसा लगता है भाई कहाँ आ गए। रोड है वैसे कुछ नहीं, भी आगे ले लो, सॉरी रोड नहीं है, प्लाट है पीछे बिल्कुल खाली। भाई कट जा यार, निकल जा, निकल गई फाइनली अपने। और आगे हैं भैंस, अब वो हटेंगी, और आगे ये चारपाई भी है जिस पर कोई लेटा है, और ये फिर हट रही हैं। इन्हें मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा हूँ आज, सॉरी इनके लिए, इस सब के लिए। और देख सकते हैं आप स्पेस बिल्कुल नहीं है, यहाँ से निकलेगी
और ये भाई बहुत अच्छे हैं जो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। अब हम आगे जा रहे हैं तो मिलते हैं फिर निकलने के बाद यहाँ। और यहाँ भी ये रिक्शा है, मतलब बहुत ही मुश्किल है यहाँ से निकलना। अब मैं क्या बताऊँ भाई, निकल रहा हूँ यहाँ से, वैसे अब नहीं आऊँगा यहाँ से दोबारा। अब आऊँगा तो जो लेने वाला जो पीछे से जाते हैं अपन लोग, वहाँ से आऊँगा। अब हल्का सा पीछे लेना है क्योंकि फिर एक सीन हो गया, ये आगे से लग गई हल्की सी, धम से आवाज़ आई। अब देखते हैं कुछ टूटा तो नहीं है, तो कोई चीज टूटी नहीं है। यहाँ से भी और ये सही है, अभी ऐसे ये पहले से निकला हुआ है, पहले से निकल गया था ये। और भाई सीन बहुत हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पे गड्ढा था वहाँ पे, और उसमें वो धम से लग गया। यू नो धम से लगना मतलब कट से आवाज़ आना, बहुत ही धम से लगना। अरे भाई बंद हो जा, और मैं आपको एक बार लाइट ऑफ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे भाई केबल भी है, क्या करा लगा ऐसा कुछ करा। और ये हम निकल लिए, अब मुझे इससे बंद करनी हो गई है, तो फाइनली ये बंद हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं, और इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। और आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे लगी नहीं है, मतलब कुछ हुआ नहीं है इसमें। और हम घर पे आ गए, तो मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये रहा, ये मतलब ये था जिस पे कार बैठ गई थी, और एक इस साइड वाली मतलब जो राइट हैंड साइड था वो यहाँ पे था, और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ बैठ गया था, मतलब समझे बात को। तो चैम्बर साइड से होता राइट हैंड साइड। और हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।